हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबस्टेशन थीम्स के बारे में, जो कि आप एंड्रॉइड पाई कस्टम रूम्स के ऊपर इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप इसके थ्रू अपने नेविगेशन बार्स, अपना पूरा का पूरा जो है फ़ोन का जो लुक जो है चेंज कर सकते हैं। एसेंट कलर बैकग्राउंड्स, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स या कुछ भी आपका प्ले स्टोर वगैरह जो भी है, उनके कलर्स या उनके थीम्स को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपका फ़ोन जो है एंड्रॉइड पाई पे रन होना चाहिए और रूटेड होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ थीम्स चाहिए जो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से कुछ फ्री मिलती हैं और कुछ पेड भी हैं, जिनको आप अपने फ़ोन में सबस्टेशन थीम इंजन में यूज़ करेंगे और अपने मन मुताबिक उनको ईजिली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे ग्रुप के ऊपर आके, हमारे जो एडमिन हैं जीशान और वालिया साहब, उनसे आके बात कर सकते हैं। वो दोनों आपको पूरी हेल्प करेंगी कैसे आप इस थीम इंजन को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है अपने फ़ोन का जो नेविगेशन बार्स के जो बटन है, आप देख पा रहे होंगे कलरफुल बटन से आपको देखने को मिल रहे हैं, जो ब्लू, ऑरेंज और येलो में आपको शो हो रहे हैं नीचे। साथ ही साथ आपको जो हमारे क्यूक टॉगल्स है वो आपको देखने, उसका बैकग्राउंड जो है आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, उसके कलर्स आपको ऑरेंज दिख रहे हैं। उसी तरीके से देखिए गूगल प्ले स्टोर का जो हमारे कलर है वो भी ब्लैक है, यानी डार्क थीम हम इसके अंदर यूज़ करें। पूरा सेटिंग्स पैनल भी हमारा जो है डार्क है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि दिखा देता हूँ, सबस्टेशन थीम के अंदर जो मैनेजर के अंदर है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। जैसे एंड्रॉइड सिस्टम की है, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, जो जो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में होंगे उन सबको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके कलर्स, लेआउट्स वगैरह सारों को चेंज कर सकते हैं इस थीम इंजन के थ्रू। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एंड्रॉइड पाई कस्टम रूम पे होना चाहिए या एंड्रॉइड पाई फ़ोन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका फ़ोन जो है रूटेड होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा फ़ोन जो रूटेड है। कॉन्ग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। दैट मीन्स कि हमारा फ़ोन जो है रूटेड है और हम इसके अंदर इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको गूगल प्ले स्टोर से आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है सबस्टेटम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वो आइकन है सबस्टेटम का, थीम इंजन होता है ये। ये थीम इंजन होता है, इसके अंदर आपको थीम्स अप्लाई करनी होती हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी रूट एक्सेस की। उसके बाद जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी थीम्स आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएंगी, जो पेड भी हैं और काफ़ी सारी फ्री भी हैं। नहीं तो आप हमारे ग्रुप पर आके, हमारे जो एडमिन है वो जीशान या वालिया साहब, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको कोई ना कोई थीम जो है प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम जो है पिच ब्लैक जो है थीम है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ कैसे करना है आपको, बस सिर्फ क्या करना है, पहले जो सबस्टेशन थीम इंजन जो है एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो थीम की जो APK फाइल या इंस्टॉल फाइल है उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप जो अपने थीम इंजन को खोलेंगे तो आपको जो है थीम जो है अंदर देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया लेआउट फ़ोन पे खुलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ओवरलेज, बूट एनिमेशंस एंड वॉलपेपर्स। हम बस अभी ओवरलेज में ही चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका OS है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है पाई 9.0। ये देखिए आपको इसमें काफ़ी सारे OS देखने को मिलेंगे, नॉगट, ओरियो 8.0, ओरियो 8.1, ऑक्सीजन OS, पाई 9.0 और पाई ऑक्सीजन OS। तो हम पाई 9.0 का रोम यूज़ कर रहे हैं, तो हम पाई 9.0 सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जितने भी ओवरलेज जो है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो पूछेगा आपको सिस्टम में कौन कौन सी थीम चाहिए, सपोज करिए सिस्टम में अभी हम ऑरेंज थीम यूज़ कर रहे हैं, अब हम कोई और थीम यूज़ कर लेते हैं, चलिए AO2 पिच ब्लैक कैंडिडेट कर लेते हैं। सिस्टम UI का बैकग्राउंड आपको कैसे चाहिए, ऑफ करना है उसको या ऑन करना है, अगर ऑन बैकग्राउंड को ऑन चाहिए, सिस्टम बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो उसको ऑन कर दीजिए। नोटिफिकेशन बैकग्राउंड आपको किस तरीके का चाहिए, जैसे डार्क है कि लाइट है, मेरे को लाइट डार्क पसंद है तो मैं डार्क लूँगा। उसी तरीके से सिलेक्ट जो स्विच टॉगल स्टाइल होता है आपका वो कैसे चाहिए, मैं स्टॉक को पसंद करूंगा तो स्टॉक करें। तो और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जिनमें आपको सिलेक्ट करने को ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे से नीचे जाएंगे, जैसे देखिए कॉन्टेक्ट में अभी आपसे पूछेगा सिलेक्ट कॉन्टेक्ट टाइटल कर, कैसे टाइल कलर चाहिए, आपको गूगल कलर चाहिए या पेस्ट कलर चाहिए, सॉलिड, मैं गूगल कलर्स प्रेफर करता हूं, तो मैं गूगल कलर्स पे रहूंगा। कॉन्टेक्ट वर्जन कौन सा चाहिए, मैं 3.1.6 सिलेक्ट कर लेता हूं। उसी तरीके से थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको Gboard यानी कि जो आपकी जो कीबोर्ड होता है उसकी थीम को भी आप चेंज कर सकते हैं। एसेंट कलर कौन सा चाहिए, उसमें आप सिस्टम एसेंट रख लीजिए, मैं वही प्रेफर करता हूँ। उसके बाद आप जो है गूगल के जो आपकी सर्च बॉक्स होता है, सॉरी,
उसका वर्जन कौन सा रखना है आपको, तो उस हिसाब से आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 8.55 रख लेता हूँ। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे, कार्ड स्टाइल आपको कौन सा चाहिए, राउंडेड चाहिए, स्टॉक स्टॉक, आप सारी चीज़ों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जब सारी चीज़ों को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो नीचे जो आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं एडिट का, इसके ऊपर आप एक बार टाइप करेंगे। आपको क्या करना है, बिल्ड एंड अपडेट, इसके ऊपर आप एक बार टैप करेंगे। जैसे ही बिल्ड एंड अपडेट करेंगे, ये जो है थोड़ी देर में जो है बिल्ड करेगा इस थीम को और आपके फ़ोन में सेव कर देगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या है, अपने फ़ोन को एक बार रीबूट करना है, जो कि ज़रूरी है। अगर आप रीबूट नहीं करेंगे तो ये ठीक तरीके से आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो अभी इसको हम बिल्ड होने देते हैं और इसको रीबूट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है इस थीम को, क्योंकि आप अभी बिल्ड एंड अपडेट कर रहे हैं, अभी इनेबल नहीं कर रहे हैं इसको आप। तो इसको अपडेट होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही बिल्ड एंड अपडेट होने के बाद आप रिबूट कर लेते हैं। रिबूट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से सबसेशन थीम्स में जाना है और उसमें जाके आपके नीचे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे मैनेजर, इसमें जाना है। इसमें जाते ही आपको क्या करना है, जो आपकी पुरानी थीम थी, जैसे आपने ऑरेंज थीम थी, उसको सिलेक्ट नहीं करना है। बाकी जो आपने न्यू थीम जो क्रिएट की थी, हमने इस पर कैंडी रेड यूज़ किया था, उसको सिलेक्ट करके हम सारे ऑप्शन को यहाँ पर जाके टैप करके इनेबल सिलेक्टेड कर देंगे। जैसे ऑप्शन देख पा रहे होंगे इनेबल सिलेक्टेड, इसको जैसे सिलेक्ट कर लेंगे आपको थोड़ी देर में ये सारे के सारे फीचर्स जो है आपके फ़ोन के अंदर अप्लाई हो जाएंगे और जो थीम जो थी आपने जो अपनी क्रिएट की थी वो थीम जो है, देखिए पहले हमारे ऑरेंज आइकन्स थे, अब जो है पिंक कलर में आइकन्स हो गए हैं। ये देखिए हमारे नेविगेशन बार में जो ऑरेंज था अब वो पिंक हो चुका है। उसी तरीके से हमारे क्यूब टॉगल्स जो है, पहले हमने ट्रांसपेरेंट रखा था, वो अभी भी हमने ट्रांसपेरेंट रखा है। और ये देखिए जो हमारे आइकन्स है वो सारे के सारे चेंज हो गए। उसी तरीके से हमारा जो सेटिंग्स पैनल है वो भी आपका पूरा का पूरा चेंज हो गया होगा। मैजिक मैनेजर भी हमारा चेंज हो गया है। ये देखिए सेटिंग पैनल भी आपको जो है एसेंट कलर जो है पिंक कलर में देखने को मिल रहे होंगे। उसी तरीके से गूगल प्ले स्टोर में भी आपको थोड़ा सा पिंक कलर की थीम्स देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी किसी भी फ़ोन के अंदर, चाहे आपका शॉमी का फ़ोन हो, चाहे मोटरोला हो, चाहे वन प्लस हो, चाहे सैमसंग हो, जो एंड्रॉयड पाई पे रन कर रहा हो और रूटेड हो, उसके अंदर सबस्टेटम थीम इंजन है, इसको यूज़ करके आप कोई भी थीम को अप्लाई करके अपने फ़ोन के अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपको उसके अंदर दो एप्लीकेशन चाहिए होते हैं। एक तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा जो फ्री है, सबस्टेटम थीम इंजन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो थीम हम जो यूज़ कर रहे हैं पिच ब्लैक, वो पेड थीम है जो हमने ऑलरेडी परचेज करके, उसी तरीके से आपको काफ़ी सारे थीम इंजन जो है, थीम्स वगैरह जो है, आप प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नीचे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ आप हमारे जो एडमिन है जीशान एंड वालिया, उनसे आके बात कर सकते हैं, वो आपको कुछ थीम्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रही है कहाँ से आपको थीम्स डाउनलोड करनी है और कौन कौन सी थीम्स जो है आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, वो आपको सारी की सारी वो प्रोवाइड कर देंगे। और उस तरीके से आप पूरे अपने फ़ोन का लुक जो है ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।